हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि परीक्षा में कुछ समय बचा हो या हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम्स चल रही हों। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह अपनी तैयारी करें कि आपके मार्क्स 90% या 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आएँ और हो सकता है कि आप अपने स्कूल में, अपने क्लास में आप टॉपर बने। बेसिकली परीक्षा वर्ड ही अपने आप में ऐसा है कि जब भी हमें कोई परीक्षा की बात करता है तो हल्का सा डर हमारे दिमाग में पैदा होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसी डर को दूर करना है। और हमारे परीक्षा की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही यह है कि इस डर को कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, जो लोग भी बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे मेन डर किस बात का है कि पता नहीं कैसे सवाल आएंगे, कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, कितने कठिन सवाल आएंगे। तो इनको दूर करने का एक ही तरीका है, हमें हर पेपर में कम से कम 2 से 3 दिन की या 4 दिन की गैप मिलती है, डिपेंड करता है कि हमारा टाइम टेबल कैसा आता है। तो ये जो एग्ज़ाम का फोबिया है, ये जो एग्ज़ाम को लेकर डर है, उसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उस विषय के कम से कम 5 मॉडल पेपर या 5 साल के पुराने पेपर लेकर आएँ और उनको आराम से देखें। उनको एक बार देखने के बाद जो हमारे मॉडल पेपर हैं, सपोज़ हमने मॉडल पेपर नंबर 1 लिया और उसके हिसाब से जो हमारी तैयारी है, जो हमने साल भर में पढ़ा है, 6 महीने में पढ़ा है या जिसने जितना भी पढ़ा है, उसके हिसाब से जो हमारे मॉडल पेपर है उसके हिसाब से हम पूरी एक बार पूरा रिवीजन कर लें उस पेपर के हिसाब से। और फिर हम एग्जैक्टली 3 घंटे, और हो सके तो हम उसी टाइम में टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। मान लो कि कोई परीक्षा का टाइम 7:30 से 10:30 है या 8 से 11 है, और अगर हमें वो टाइम सूट करता है तो एग्जैक्टली 8 से 11 जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसको हमने पूरी तरीके से रिवीजन कर लिया है, पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, उसको हम 8 से 11 उस पेपर को सॉल्व करने का हम प्रयास करें। आपको पूरे 3 घंटे, आप ये मान के चलिए कि आपकी ये एग्जाम की प्रैक्टिस है, और आप सोच लें कि हम एक्चुअली में आप एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम ही दे रहे हैं, और जैसे आपको एग्जाम में जाके लिखना है आप उसी प्रकार से घर पर ही इस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पूरा 3 घंटे पेपर सॉल्व होने के बाद आप उसको एक बार देख लें, आपको ये पता चल जाएगा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कितना लिखना था, आपने 3 घंटों में कितना लिखा, ऐसे कौन कौन से, मान लो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे छूट गए, या ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व तो किए लेकिन वो सही तरीके से सॉल्व नहीं हुए। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 था। आपको मैंने बोला कि आपको 5 साल के पेपर कम से कम लेना है और एक एक करके तैयार करना है। 5 साल के पेपर में 99% हमारा पूरा सिलेबस कवर होता है, और क्वेश्चन अगर हूबहू भले ही ना आए लेकिन मिलते जुलते जरूर आते हैं। और क्योंकि जब हम 5 साल के पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो हम मेंटली भी काफ़ी तैयार हो चुके हैं, और परीक्षा में किस टाइप के पेपर आएंगे ये भी हम जान चुके हैं पूरी तरीके से। अब जो स्टूडेंट कई बार बहुत सारी गलती करते हैं, उसमें मेन गलती ये है कि हम, क्योंकि हमें 90% या उससे अधिक मार्क्स लाने हैं तो हमारी कॉपी भी हमें वैसे ही दिखना चाहिए, जो एक वैल्यूअर होता है, जो एक एग्जामिनर होता है, उसको भी कॉपी हमारी 90% वाली लगे या 90% से ज़्यादा मार्क्स वाली लगे। उसका एक ही तरीका है कि हमारी कॉपी काफ़ी नीट एंड क्लीन हो। कई छात्र क्या करते हैं, मैंने खुद ने कई सारी कॉपी देखी हैं, लेफ्ट में एक मार्जिन छोड़ देंगे, फिर राइट में भी एक मार्जिन छोड़ देंगे और बीच बीच में लिखते जाएंगे, काफ़ी कम स्पेस में लिखेंगे और सोचेंगे कि ये बीच में थोड़ा लिख लिख के मैं कॉपी ज़्यादा भर दूँ। तो दोस्तों, वैल्यूअर बेवकूफ़ नहीं है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि अगर आप बीच बीच में लिख के थोड़ा थोड़ा लिख के अगर कॉपी के 10 पन्ने, 25 पन्ने या ज़्यादा पन्ने भर देंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ लेफ्ट में ही मार्जिन खींचें और आप जो भी लिखें, हो सकता है कि आप घर में ही अपने जो घर में छोटे या बड़े भाई हैं जो आप लिखते हैं उसको एक बार आप पढ़वा के दिखवा लीजिए कि जो आप लिख रहे हैं वो ठीक से रीडेबल है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा लिखते हैं कि वो खुद ही पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। तो आपको अपनी एग्जाम में इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि आप जो लिख रहे हैं वो नीट एंड क्लीन हो, और एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। बेस्ट प्रेजेंटेशन का एक सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको क्या करना है कि आप पूरा पेपर जब आप एग्जाम में जाएं तो आप सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको एक पॉजिटिव सोच लेके जाना है कि मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा। आपको ये सोच के जाना है कि आपने पूरी तैयारी की है, आपने फुल तैयारी की है और आपका पेपर
अच्छा ही जाएगा। पेपर जैसे ही आप पूरा पेपर आप आराम से पढ़ लीजिए, पहले पूरा पेपर पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया है कि उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे से बनते हैं, और एक आध सवाल ऐसा है जो आपसे आधा बनता है या उतने अच्छे से नहीं बनता। यही किसी भी छात्र के लिए पेपर पढ़ने के बाद शुरू के 10 मिनट में आदमी को यही डिसीजन पे स्टूडेंट पहुंचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको सबसे बढ़िया बनते हैं आपको वही क्वेश्चन अच्छे से मार्क करके, क्वेश्चन नंबर ये है, आंसर नंबर ये है, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा बनता है सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे मान लो 50% क्वेश्चन अगर उसमें अच्छे हैं, अगर वो अटेम्प्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही काफी बढ़ जाएगा। और आप बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कीजिए, यह पूरा रिसर्च करके टाइम दिया जाता है किसी भी छात्र के लिए, जितना भी पेपर है उसको ईमानदारी से अच्छे तरीके से लिखा जाए तो 3 घंटे का टाइम पर्याप्त समय होता है। मतलब समय की कमी बिल्कुल नहीं है, अगर आप सटीक आंसर लिखते हैं तो जो आपको समय दिया गया है वो पर्याप्त टाइम है। अब जब आपने 50% अच्छे से क्वेश्चन कर लिया, फिर आप जो उसके बाद आप वो क्वेश्चन जो आपसे ठीक ठाक बन रहा था उसको आप कॉपी के बीच में अटेम्प्ट करें, और आखिरी में जो क्वेश्चन आपसे वापस जो अच्छे से बन रहे थे वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। इस तरह मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने अच्छे से तैयारी करी, आता भी आपको अच्छे से है, लेकिन अगर आप कॉपी में प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो भी आपके मार्क्स अच्छे आने में संदेह रहता है, या आपकी छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स आपके नहीं कटने चाहिए, वो मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि जब हम टॉपर बनने की बात करें, जब हम 90% से ज़्यादा मार्क्स बनने की बात करें, तो हमारी कॉपी भी वैल्यूअर की नज़र में एक टॉपर की कॉपी होनी चाहिए, एक 90% लाने वाले स्टूडेंट की कॉपी जैसी दिखनी चाहिए। और उसके लिए हमें आंसर लिखने हैं, हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि जो वैल्यूअर कॉपी को चेक करेगा डेफिनेटली वो हमसे ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानता है, उस विषय के बारे में जानता है। कई लोगों के सवाल रहते हैं, कई सारे छात्रों के सवाल रहते हैं कि सर पढ़ने का समय कौन सा अच्छा है, क्या रात में पढ़ा जाए कि दिन में पढ़ा जाए। तो जहाँ तक आप अगर इसमें मेरा मत लेना चाहें तो सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है। अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे उठें, आपका दिमाग रात की नींद आप पूरी लें, जो भी 6 घंटे 8 घंटे, 8 घंटे की नींद मैं मानता हूँ एक अच्छे इंसान को सोने के लिए, 8 घंटे की आप नींद लें पूरी, सवेरे 4 बजे आप उठें, और 4 बजे से लेके आप बीच में भले ही ब्रेक कर करके कम से कम 4 से 5 घंटे आप अपनी पढ़ाई करें। बेस्ट टाइम है, आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैच करेगा, उस समय आपका दिमाग तरोताज़ा रहता है नींद लेने के बाद, और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, आप पूरे परीक्षा के समय में, सपोज एग्जाम टाइम अगर 15 दिन 20 दिन या 25 दिन चलती है, उस समय आप अपनी बॉडी क्लॉक को भी सेट करें। बॉडी क्लॉक सेट करने से मेरा मतलब क्या है कि सपोज कल अगर एग्जाम का पेपर है और आज हम रात को लेट तक पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे दिन हमें सुस्ती आएगी। तो हमें पूरे 25 दिन, जो हमारा अगर सपोज मान लो टाइम 10:30 से 10:30 है या 8 से 11 है, तो हमें 25 दिन लगातार कभी भी 8 से 11 के स्लॉट में घर पे भी नहीं सोना है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी क्लॉक को भी वैसे ही तैयार करना है कि 8 से 11 वाले टाइम के लिए हम बिल्कुल सुस्ती फील नहीं करें। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप जिस दिन पेपर नहीं है उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले घर पे अगर आप उस एग्जाम टाइम वाले पीरियड में सोते हैं, तो आपको हो सकता है कि जिस दिन आपका एक पेपर है, जिस दिन आपकी एग्जाम है, उस दिन आपको थोड़ी सुस्ती आए। इसलिए आपको पूरे महीने भर अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना है, आपके पूरे जो आपकी दिनचर्या है उसको आपको एग्जाम के हिसाब से सेट करना है कि हमें मॉर्निंग टाइम में सोने की आदत बिल्कुल नहीं डालनी है कि जो हमारा पेपर का टाइम है उस समय हमें नींद नहीं आए। एक और जो सबसे बड़ी बात रहती है वो ये है कि हम तैयारी करते करते बार बार हमारे दोस्तों से पूछते हैं तेरा कितना हो गया, वो चीज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और उसमें जो हमें फीडबैक मिलते हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि एग्जाम के ड्यूरेशन आपको इस टाइप की कोई कंसर्न नहीं करनी है, आपको ये पता नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके दोस्त ने ये कहा कि उसने सब कुछ कर लिया तो आपको नेगेटिव थॉट आएंगे कि आपका छूट गया, उसने कहा मैंने कुछ नहीं करा और आपने भी कुछ नहीं करा तो आप थोड़े से लेजी हो जाओगे कि अभी तो उसने भी नहीं किया, चलो मैंने भी नहीं किया है।
इसलिए आपको दोनों ही केस में अपने किसी भी फ्रेंड से या दोस्तों से ड्यूरिंग एग्जाम ये कंसल्ट नहीं करना है कि उसने कितनी तैयारी कर ली। और ये कंसल्ट करने की भी एक बात है, मैं आपको ये कहना चाहूं कि पूरे 25 दिन या 30 दिन आप अपना कम्युनिकेशन को बिल्कुल दूर रखिए। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है मोबाइल को आप भूल जाइए। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन पूरे 25 दिन 30 दिन आप मोबाइल को अपने से बिल्कुल अलग कर दीजिए, और इसके बाद आप टीवी को भी अलग कर दीजिए। तो ये 20 दिन 25 दिन जब आपके पेपर अच्छे हो जाएं, आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे लेंगे, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, आप परीक्षा देने के तुरंत बाद ही अपना मोबाइल फिर से ले सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है, सर जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आती है। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो मैं ये पक्की बात आपको बोलता हूँ कि आपको नींद नहीं आएगी। ये सब उन लोगों के बहाने हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। अगर किसी का लक्ष्य 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने का है तो उसको नींद नहीं आएगी पढ़ते वक्त। उसके बाद भी अगर मैं कहूँ, एक डेढ़ घंटे या दो घंटे के पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है तो आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब भी आपको नींद आए तो अगर आप अपनी छत पर गैलरी में या आपके बरामदे में आप टहलते टहलते पढ़िए, कभी भी किसी चलते हुए आदमी को सोते हुए नहीं देखा होगा आपने, कभी चलते हुए नींद नहीं आती है, कभी टहलते हुए नींद नहीं आती है। और एक बात का, आप हर डेढ़ दो घंटे बाद एक गिलास या आधा गिलास पानी पीजिए। पानी आपके दिमाग को तरोताज़ा रखता है, एक्टिव रखता है। तो परीक्षा के समय में अगर आपने ये सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आपकी तैयारी एक अच्छे से तैयारी होगी, पूरी तैयारी होगी, और आपको हर विषय में 90% मार्क्स लाना या 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप बहुत आसानी से 90% मार्क्स या 90% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। मैं खुद भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबके पेपर अच्छे जाएँ, आप सब अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ। और ख़ास बात, कॉपी में जल्दबाजी बिल्कुल न करें, कॉपी काफ़ी प्रेजेंटेबल हो, जो वैल्यूअर को चेक करते समय मज़ा आए। बेस्ट ऑफ लक।